नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महिला आयोग की सदस्य के आदेश पर जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। पुलिस टीम के साथ मारपीट कर दबंगों ने फायरिंग भी करी। बाल बाल बचे दरोगा व सिपाही। दबंग के हमले से घायल हो गए दरोगा व पुलिस के सिपाही। गंभीर रूप से घायल दरोगा व सिपाहियों को रीजेंसी अस्पताल भेजा गया है। ससुराली जनों द्वारा विवाहित को परेशान किए जाने की शिकायत पर जांच करने गए थे कहिजरी चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह व सिपाही समर सिंह। महिला के साथ मिलकर दबंगों ने किया पथराव व फायरिंग। अवैध असलहों से पुलिस पर की गई फायरिंग देखकर जान बचाकर भागे थे पुलिसकर्मी। सूचना पर कई थानों की पुलिस बल सीओ रामशरण सिंह इंस्पेक्टर शशि भूषण मिश्रा मौके पर पहुंचे थे। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली का है पूरा मामला। एसपी केशव कुमार चौधरी भी पहुंचे थे मौके पर। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे थे एडीजी। एडीजी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। कानपुर देहात जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी सहित कई थानों का पुलिस बल गांव में तैनात हुआ। यहाँ पे अभी तक से जो हम लोग को अभी तक से जितना अनुसंधान हुआ है उसमें ये पता चला है कि हम यहाँ पे एक महिला थी जिसके परिवारजन उसको परेशान कर रहे थे जी। तो उस खबर पे जो है इसके पहले भी ऐसी कोई हुई थी, तो उसकी ऐसी पुनरावृत्ति की आशंका से हमारे चौकी की फोर्स उनकी मदद किया है। जब चौकी की फोर्स आया और परिवार को समझा बुझा रहा था, तो परिवार के कुछ सदस्य एकाएक हिंसक हो गए जी। जब वो हिंसक हो गए तो सबसे पहले चौकी की फोर्स ने बड़ी बहादुरी से जी उस महिला को बचाने की कोशिश किया, जिसमें ज्यादातर उसको बचा लिया जी। लेकिन उस दौरान जो है, जब ये पाया गया ये जो बाकी लोग थे वो दुर्दांत किस्म के व्यक्ति हैं, और दुर्दांत अपराधी होने के कारण साथ साथ जो है वो हिंसक हो गए। हिंसक होने के साथ साथ हमारी जो चौकी की फोर्स को पीछे से घात लगाया जी। उसमें हमारे दो लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं जी। तो उनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ CHC लिए गए। CHC में फिर उनको उपचार करने के बाद से उनको रेफर किया गया, तो वो रीजेंसी अस्पताल में, और रीजेंसी अस्पताल उनको देख के आ रहे हैं, दोनों होश में हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उपचार है उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो इस महिला के साथ ये हुआ था उनको भी उपचार किया जा रहा है। वो भी जो डॉक्टर से कहना है अभी ठीक है, लेकिन अभी उनको अगले 24 घंटे तक देखा जाएगा। इसके साथ जो है जो इन लोगों ने हिंसक घटना की है उनकी अनुसंधान पता चला है, कौन कौन लोग, उनका नाम चिन्हित कर लिया गया जी। और हमारे साथ जिलाधिकारी साहब भी हैं, और जिलाधिकारी साहब हैं और पुलिस अधीक्षक साहब भी हैं। उन्होंने सारी टीम बना के जितने लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तक 4 लोग जो इस घटना में थे उनको पकड़ लिया गया है। बाकी लोगों की खोजबीन हो रही है। हमें पूरा आशा है कि आज कल सुबह 9 बजे तक हम लोग काम को पूरा कर लेंगे। कानपुर देहात में एक चौकी में कुछ पुलिस के साथ मारपीट हुई है। वो एक दबिश में गए थे, जहां एक महिला को मदद करने के लिए उनकी कॉल पे 112 पे कॉल आई थी, उसके बाद उनकी मदद करने पहुंचे थे। जो चौकी से फोर्स पहुंची थी उन पे अभियुक्तों के द्वारा कुछ पथराव करने की सूचना वहां से मिली है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर और चौकी से एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, जिनको चोट लगी थी, पथराव में चोट लगी थी, वो दोनों लोग रीजेंसी में, पहले CHC पे फर्स्ट एड के बाद रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में पहुंचे हैं। उनकी बहुत प्रॉपर तरीके से यहां पे इलाज किया जा रहा है, और दोनों लोग अभी डॉक्टर से जो बात हुई ठीक हालात में हैं, दोनों कॉन्शियस हैं, बात कर रहे हैं, और दोनों का जितने भी हमारे यहां पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जा रहा है, उनका एक्सरे वगैरह। और सर, जिन लोगों ने हमला किया था, अब आगे उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, SP कानपुर देहात से बात हुई है, वो लगातार अपनी अलग अलग टीमें बना के वहाँ पे दबिशें दे रहे हैं, और बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्त धाराओं में और सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, आज कंजहरी चौकी के दो पुलिस कर्मियों की चोट लगने की सूचना है, सर क्या मामला है? कंजहरी चौकी थाना रसूलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की शिकायत पर कि उसके परिजनों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज और एक सिपाही जांच में गए थे। वहां जांच के क्रम में, पूछताछ के क्रम में, महिला के जो परिजन थे, ससुराल वाले थे, उनसे जो है कहां सुनी हुई, और महिला के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उनको सर पे चोटें आई हैं, उनको कुछ ज़्यादा चोटें हैं, और जो दूसरा हमारा जवान था उसको भी सामान्य चोटें आई हैं। दोनों को उपचार के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है,
और इस प्रकरण में अनुविधिक कार्रवाई की जा रही है।